हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं StrandHogg बग के बारे में। ये बेसिकली है कि आजकल न्यूज़ में क्यों है, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने इसके बारे में चेतावनी क्यों दी है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, यूपीएससी 2020 की तैयारी आप घर बैठे या कहीं भी कर सकते हैं विद आर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com से। और यू कैन कॉल दिस नंबर 9580048004 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाइए, यहाँ पर टाइप करिए धवन सर, एंड यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। ऑलरेडी यहाँ पर 75,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। ना जो ये टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी का, ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से मैं कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में ये सवाल आ गया था कि वॉना क्राई, पैतिया, इटर्नल ब्लू, ये बेसिकली है कि ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर होगा आपका, ये सब साइबर अटैक्स हैं। तो अभी आप अगर 2019 में देखें तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स न्यूज़ में थे रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। पहले तो व्हाट्सएप की हैकिंग हुई थी जो इंडियन जर्नलिस्ट की, जहाँ पर इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का यूज़ किया गया था, ये एलर्ज किया गया, ठीक है, पहले तो ये न्यूज़ में था। उसके अलावा एजेंट स्मिथ मैलवेयर भी न्यूज़ में था, दोनों को मैंने एक्सटेंसिवली कवर किया है। इस सब के अलावा इंटरनेशनल लेवल पर बुदापेस्ट कन्वेंशन भी आजकल काफ़ी तक न्यूज़ में है, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि भारत ने बुदापेस्ट कन्वेंशन पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। ये सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं ताकि आप साइबर सिक्योरिटी एस्पेक्ट को अच्छे से कवर कर पाएँ। नाउ इस पूरे टॉपिक में, इस अम्ब्रेला में एक नई एडिशन हुई है StrandHogg बग के नाम से। रिसेंटली दिसंबर 2019 में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम है, जहाँ पे मिनिस्टर हैं आज के समय अमित शाह जी, इन्होंने एक अलर्ट भेजा है सारी स्टेट्स को ऑल ओवर इंडिया, और उनको ये कहा है कि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपके फ़ोन या फिर कुछ लैपटॉप्स में भी होता है, उसमें एक कमी, एक वल्नरेबिलिटी खोज ली गई है, जिसको यूज़ करके कुछ मैलवेयर एप्लीकेशन आपका सारा डेटा चुरा सकती है। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ होम से ऐसा अलर्ट आता है तो आप कह सकते हैं ये जो इशू है ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, एंड्रॉयड वल्नरेबल टू साइबर अटैक, यूनियन होम मिनिस्ट्री। नाउ यहाँ पे इशू है क्या, क्या StrandHogg एक वायरस है, क्या ये खुद एक मैलवेयर है, यहाँ पे खोजा क्या गया है और बेसिकली इशू किस बात का है। देखो, ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था नवंबर 2019 में, जब एक नॉर्वेजियन फर्म, नॉर्वे आपको बताऊंगा एक देश का, स्कैंडिनेवियन देश जिसकी राजधानी है ओस्लो, वहाँ पे उनकी एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी प्रोमोन, ये बड़े बड़े सिक्योरिटी हाउसेज और जो कंपनीज फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनको साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इन्होंने कुछ टेस्ट किए एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर पे और इन्होंने ये पाया कि यहाँ पर एक वल्नरेबिलिटी है, मतलब कि एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर में, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में आप अगर देखो तो StrandHogg नाम की एक कमी है, एक वल्नरेबिलिटी है, जिसका इस्तेमाल करके एक मैलवेयर, एक मलेशियस सॉफ्टवेयर, आपको नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखने वाला सॉफ्टवेयर आपका डेटा चुरा सकता है। तो ये क्लियर कर लो, StrandHogg अपने आप में कोई वायरस नहीं है, ये अपने आप में कोई मैलवेयर नहीं है, ये बस एक कमी है एंड्रॉयड में। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते हैं एक बग। अ बग इज एन एरर और डिफेक्ट इन सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर दैट कॉजेज ए प्रोग्राम टू मेल फंक्शन। तो यूपीएससी में आपसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली जो ये StrandHogg न्यूज में था, क्या ये वायरस है, बग है, मेलवेयर है, तो अब आप इसका आंसर कर पाएंगे। नाउ जो ये बग है, अब ये करता क्या है, इससे क्या हो सकता है कि जो मेलवेयर एप्स हैं, मतलब कि जो हैकर्स द्वारा बनाई गई एप्स होती है, वो आपका सारा डेटा चुरा सकती है, और उसके लिए इनको आपके एंड्रॉयड डिवाइस में रूटिंग करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में जो हैकर्स हैं या फिर जो अटैकर्स हैं, ये एक्सप्लॉयट करते हैं एंड्रॉयड के कंट्रोल रूम सेटिंग्स को, जिसका नाम होता है टास्क एफिनिटी। ये आपको जो मेन सेटिंग्स का ऑप्शन होता है एंड्रॉयड में, वहाँ पे नहीं दिखेगा। आप अगर फाइल मैनेजर पे जाओगे तो वहाँ पे आपको इसका ऑप्शन दिखेगा, और ये काफ़ी टेक्निकल एस्पेक्ट भी है, एक आम यूज़र इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसका प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट हुआ कैसे, किस तरीके से एक आम यूजर StrandHogg की वजह से मलेशियस एप्लीकेशन का शिकार हो सकता है। देखो, इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है गूगल प्ले स्टोर से या फिर किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से। कई लोग आज के टाइम में क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा गुमनाम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे या फिर ऐसी एप्लीकेशन जो किसी प्रॉपर यूजर ने बनाई नहीं है। तो काफ़ी बार ये जो एप्लीकेशन होती है ये एक्चुअली में ड्रॉपर ऐप्स होती है। ड्रॉपर ऐप्स आर दोज दैट ईदर हैव और प्रटेंड टू हैव द फंक्शनैलिटी ऑफ पॉपुलर ऐप्स, मगर बेसिकली ये एक औजार होता है एक हैकर का आपके डिवाइस के डेटा चुराने का। तो काफ़ी बार क्या होता है कि लोग गूगल पे टाइप कर लेते हैं किसी मोबाइल गेम का नाम, तो उसका लिंक उनको किसी गुमनाम जगह पे मिल जाता है,
उसको अगर वो क्लिक करते हैं तो उनको उस गेम की डोपर ऐप मिल जाती है। मतलब कि यूजर को लगता है कि ठीक है मेरे मोबाइल फोन में वो ऐप आ चुकी है, मगर वो असली ऐप नहीं होती, वो बस एक डोपर ऐप होती है। कुछ केसेस में देखा गया है कि ऐसी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर में भी अवेलेबल होती हैं। तो एक बार ये जो ड्रॉपर ऐप है आपके फोन में आ गई, उसके बाद ये क्या करेगी कि एक और ऑथेंटिक ऐप जिसको आप काफी यूज करते हो, जहां पे आप अपना पासवर्ड डालते हो, उसको कॉपी कर लेगी और अचानक से आपकी स्क्रीन पे एक पॉपअप आएगा कि इस ऐप में फिर से लॉगिन करिए, आपका सेशन एक्सपायर हो गया था। तो एक आम यूजर सोचता है कि ठीक है मैंने लॉगिन किया होगा, लॉगिन एक्सपायर हो गया, फिर से लॉगिन कर लेता हूं, मगर जब वो यहाँ पे पासवर्ड और सब डिटेल डाल रहा होता है तो ये सब पहुंच जाते हैं एक हैकर या फिर एक अटैकर के पास, और वो बहुत ही आसानी से आपका सारा डेटा चुरा सकता है। और जो ऐप ऑलरेडी आपके मोबाइल में है, जो ड्रॉपर ऐप है, वो आपके सारे SMS का डेटा, मतलब कि आपके OTP, आपकी फोटोज, आपके कॉन्टैक्ट्स, सारा डेटा किसी और हैकर को प्रोवाइड कर सकती है। तो ये आप देखेंगे इस तरीके से सारा प्रोसेस काम करता है। और आप यहाँ पे ये सोच सकते हैं, वेल ठीक है, लग रहा है कि यहाँ पे एक हैकर की इन्वॉल्वमेंट होनी काफ़ी ज़रूरी है, मैं तो काफ़ी इनसिग्निफिकेंट आदमी हूँ, मुझे कोई हैकर क्यों अटैक करेगा। वेल ये सोच काफ़ी हद तक सही नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए बॉट्स आ चुके हैं। मतलब कि एक हैकर को अपने कंप्यूटर पर बैठने की आवश्यकता नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड बॉट इंस्टॉल कर सकता है जो सारा डेटा आपका कंपाइल करता रहेगा, सिर्फ आपका नहीं हजारों लाखों यूजर्स का। और जब ये डेटा कंपाइल हो जाता है उसके बाद वो हैकर चाहे तो इस डेटा को वो बेच सकता है या फिर खुद इस्तेमाल करके चेक कर सकता है कि इसमें से किस यूजर से वो कुछ पैसे निकाल सकते हैं या फिर इसका डेटा बेचकर उनको कुछ बेनिफिट हो सकता है। सो आप समझ पाएंगे कि क्यों मिनिस्ट्री ऑफ होम ने इसको लेकर एक अलर्ट जारी किया है। ना क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एक आम यूजर यहाँ पे सेफ कैसे रह सकता है, ये जो लूप होल है इससे खुद को कैसे बचा सकता है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर एक ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में है जहाँ पे आप लॉग्ड इन हो, वो आपसे अचानक से फिर से लॉग इन करने की रिक्वेस्ट मांगती है, और जब रिक्वेस्ट आपके सामने आती है तो वहाँ पर एप्लीकेशन का नाम प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं हुआ, तो वहाँ पर मोस्ट प्रॉबली StrandHogg का यूज़ किया जा रहा है। कुछ केसेस में देखा गया है कि जो ये रिक्वेस्ट आती है उसमें टाइपोज या फिर मिस्टेक्स हो सकती हैं, और बेसिकली जो आम लॉगिन का सेटअप होता है उससे कुछ हद तक डिफरेंट दिखेगा, मगर ये पता लगा पाना कि कितना डिफरेंट है ये काफ़ी हद तक मुश्किल है, क्योंकि ऐप्स भी अपडेट होती रहती हैं। तो इसमें एक आम यूज़र जेन्युइनली बेवकूफ़ बन सकता है। बेस्ट तरीका ये है यहाँ पर सेफ रहने का कि जो ऐप्स आपको मस्ट हैव है वही डाउनलोड करिए, सेफ तरीके से डाउनलोड करिए, सिर्फ गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल करिए। गूगल प्ले स्टोर में भी जिस ऐप पे मैक्सिमम डाउनलोड्स हैं कोशिश करिए उसको ही आप डाउनलोड करें, और गेम्स और एडिशनल सॉफ्टवेयर के चक्कर में जो गुमनाम ऐप्स होती हैं उनको अपने फोन में इंस्टॉल मत करिए। बाकी देखिए जो ये इशू है बिल्कुल सीरियस है, और उम्मीद है इवेंचुअली यहाँ पर गूगल अपनी अगली अपडेट्स में या फिर अगले सॉफ्टवेयर के वर्जन में इस बग को ठीक कर देगा। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस होल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। Thanks for listening and as always, God bless you all.